नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सवाल है, देख लीजिए, 50 डिसमिल जमीन बराबर कितना मीटर लंबाई चौड़ाई और कितना जरीब लंबाई चौड़ाई होता है, कितना काठा होता है, इस तरह से सवाल है। पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ हम जानते हैं एक डिसमिल, लिख लीजिए एक डिसमिल बराबर, ठीक, एक डिसमिल बराबर 0.1 वर्ग जरीब होता है, इतना वर्ग जरीब होता है। ये रख लीजिए 0.1 वर्ग जरीब होता है, तो 50 डिसमिल बराबर 50 × 0.1 तो बराबर होगा 5 वर्ग जरीब। कितना होगा? 5 वर्ग जरीब होगा। 50 डिसमिल बराबर कितना होगा? 5 वर्ग जरीब होगा, ठीक। और एक डिसमिल बराबर, नोट कर लीजिए, एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है, वर्ग फुट, ठीक। और 50 डिसमिल बराबर लिख लीजिए, 50 डिसमिल बराबर 50 × 435.6, कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर हो जाता है। कैलकुलेट कर लीजिए 50 × 435.6। चलिए मैं भी कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। ये 50 × 435.6 तो बराबर होगा 21,780 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट होगा, इतना वर्ग फुट होगा। इसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए 10.76 से भाग कर दीजिए, 10.76 से, तो बराबर होगा, बराबर कर लीजिए भाग करके 10.76 से, तो बराबर होगा 2024.16 वर्ग मीटर होगा, इतना वर्ग मीटर होता है, ठीक। ये देख लीजिए 2024.16 वर्ग मीटर, कितना मीटर लंबाई चौड़ाई होगा, तो देख लीजिए इस प्रकार से प्लॉट बना लीजिए। ये देखिए, ये एक प्लॉट है, इस तरह से, इस प्रकार से। चलिए इस तरह से यहाँ पर प्लॉट बनाते हैं, इसमें लिख लीजिए 50 डिसमिल, एक मिनट, 50 डिसमिल, का जमीन मीटर में यदि आप मापते हैं, यदि लंबाई आप 50 मीटर लेते हैं, 50 मीटर यदि आप मापे हैं, 50 मीटर लंबाई यदि आप माप लिए हैं, तो चौड़ाई कितना होगा, देख लीजिए, ये देख लीजिए 40.48 मीटर होगा, 40.48 मीटर जो है चौड़ाई होगा 50 डिसमिल बराबर, ठीक। अब कैसे निकालना है चौड़ाई, देख लीजिए यहां पर चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे कर दीजिए लंबाई, तो बराबर होगा, क्षेत्रफल कितना है, ये 2024.16 भाग कर दीजिए 50 से, तो बराबर होगा 40.48 मीटर। इस प्रकार से जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। कितना काठा होगा इसको देख लीजिए,
कितना काठा होगा इसको जानते हैं आप, 50 डिसमिल लिख लीजिए, 50 डिसमिल। पचास डिसमिल बराबर 21,780 वर्ग फुट होता है, इतना वर्ग फुट होगा। इसको भाग कर दीजिए 1361.25 से, ठीक, तो बराबर होगा, ये बराबर होगा 1361.25। ये देखिए 16 कट्ठा होगा ये, ठीक। 5.5 हाथ का लग्गी का उपयोग करते हैं तो 50 डिसमिल बराबर 16 कट्ठा होगा। और कितना लंबाई चौड़ाई होगा 50 डिसमिल फुट में, देख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर 50 डिसमिल बराबर, प्लॉट बना लीजिए फुट में, देख लीजिए इसको इस प्रकार से, यदि आप फुट में इसको मापते हैं, इसमें लिख लीजिए 50 डिसमिल, चलिए 50 डिसमिल का प्ला, ठीक, ये देख लीजिए। इसका लंबाई चौड़ाई आप निकालना चाहेंगे, ये देख लीजिए, यदि आप जो है 165 फुट इसको लेते हैं, 165 फुट लिख लीजिए, 165 फुट, 165 फुट लंबाई लेते हैं, चौड़ाई होगा 132 फुट। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से 50,000 जो है वर्ग कड़ी होगा 50 डिसमिल में, गज में और हाथ में भी इसको निकाल सकते हैं। हमारे इस चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।